सर्वलेट मेथड्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे। जेएसपी प्रयोग करके सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाना, डूगेट मेथड प्रयोग करके पैरामीटर्स पास करना, डूपोस्ट मेथड प्रयोग करके पैरामीटर्स पास करना, डूगेट और डूपोस्ट मेथड्स के बीच अंतर। यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटू वर्जन 12.04, NetBeans IDE 7.3, JDK 1.7, Firefox वेब ब्राउजर 21.0। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर प्रयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न का पता होना चाहिए: NetBeans IDE प्रयोग करके कोर जावा और HTML, जावा सर्वलेट्स के बेसिक्स और JSPs। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। हम अपनी वेब एप्लीकेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने से शुरू करेंगे। पहले हम होम पेज बनाएंगे। वह होम पेज एक सरल लॉगिन फॉर्म रखेगा। यह प्रमाणित यूजर्स को लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लॉगिन करने की अनुमति देगा। अब NetBeans IDE खोलते हैं। अब index.jsp पेज पर जाते हैं जो हमने पहले ही संशोधित कर लिया था। मैंने अपने होम पेज को बनाने के लिए यह पेज संशोधित किया। हम इसका टाइटल होम पेज रखते हैं। ढांचे के अंदर हमारे पास border=1 के साथ एक टेबल है। यहाँ आपके कोड पर एक नजर डाल सकते हैं। टेबल के अंदर हमने एक शीर्षक वेलकम टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सम्मिलित कर लिया है। आगे हमारे पास पैराग्राफ टैग है जो सम्मिलित करता है This is the home page for library management system। फिर हमारे पास एक हाइपरलिंक है जो visitorhomepage.jsp नामक पेज को लिंक करता है। हम यह पेज बाद में बनाएंगे। आगे हमारे पास एक सरल लॉगिन फॉर्म है। यह फॉर्म एक रजिस्टर्ड यूजर को लॉगिन करने की अनुमति देता है। फॉर्म बनाने से पहले आपको ग्रीटिंग सर्वलेट नामक एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा। ट्यूटोरियल को रोकें और पिछले ट्यूटोरियल में समझाया हुआ एक नया सर्वलेट बनाएं। ध्यान दें कि सर्वलेट नेम ग्रीटिंग सर्वलेट है। यूआरएल पैटर्न ग्रीटिंग सर्वलेट पाथ होना चाहिए। यह फॉर्म दो इनपुट एलिमेंट्स रखता है, यूजर नेम और पासवर्ड। इसमें एक सबमिट बटन भी है जो साइन इन करने को कहता है। आगे हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है जो adduser.jsp को सम्मिलित करता है। यह उन यूजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन पेज है जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम अपने greetingservlet.java पर जाते हैं। ध्यान दें कि greetingservlet.java उसी पैकेज org.spokentutorial में बनाया गया है। अब यह सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से फॉर्म डेटा को एक्सेस करने के लिए सक्षम होगा। यह सर्वलेट कंट्रोलर की तरह कार्य करेगा। क्या आपको याद है कि हम पहले भी कंट्रोलर के बारे में जान चुके हैं? अब हम देखेंगे कि सर्वलेट कंट्रोलर की तरह क्या करता है। फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रहेगा। पहला टास्क फॉर्म डेटा पैरामीटर्स को पुनः प्राप्त करना है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पर गेट पैरामीटर मेथड प्रयोग करके ऐसा हुआ है। अतः NetBeans IDE पर जाते हैं। डूगेट मेथड के अंदर टाइप करें प्रिंट राइटर स्पेस आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। आगे हम फॉर्म डेटा पैरामीटर्स को पुनः प्राप्त करेंगे। अतः अगली लाइन में टाइप करें स्ट्रिंग स्पेस यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में यूजर नेम और सेमीकोलन। ध्यान दें कि यह यूजर नेम वो नेम है जो हमने फॉर्म टैग में यूजर नेम के लिए जोड़ा है। उसी प्रकार हम पासवर्ड को भी पुनः प्राप्त करेंगे। अतः अगली लाइन पर टाइप करें स्ट्रिंग स्पेस पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में पासवर्ड
सेमीकोलन। आगे हम आउटपुट में यूजर नेम प्रिंट करेंगे। अतः अगली लाइन पर टाइप करें out.println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में हेलो फ्रॉम गेट मेथड प्लस यूजर नेम। अब इस प्रोजेक्ट को करने के लिए माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, क्लीन एंड बिल्ड पर क्लिक करें, फिर से माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, रन पर क्लिक करें। अतः सर्वर ठीक है और रन हो रहा है। इसने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है। हमें ब्राउजर में प्रदर्शित हमारा होम पेज मिल गया है। देखें कि पेज का टाइटल होम पेज है। यहां हम बहुत सरल लॉगिन फॉर्म देख सकते हैं। मैं यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता हूं। मैं यूजर नेम में आर्या टाइप करूंगा और पासवर्ड में arya*123। फिर साइन इन पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि हमें हेलो फ्रॉम गेट मेथड आर्या आउटपुट मिलता है। अब यूजर यहां लॉगिन करने में सक्षम था, लेकिन हमने कोड के अंदर कोई प्रमाण सम्मिलित नहीं किया है। हम यह बाद के ट्यूटोरियल में ऐसा करेंगे। अब यहां यूआरएल को देखते हैं। यह है localhost:8080/myfirstproject/greetingservletpath?username=arya और पासवर्ड इक्वल टू arya*123। अब क्वेश्चन मार्क के द्वारा पेज की जानकारी से फॉर्म डेटा को अलग किया गया है। हम देख सकते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने फॉर्म के अंदर एंटर किए थे यूआरएल के भी अंदर है। अब पोस्ट मेथड प्रयोग करके हम उपरोक्त के समान ही कोशिश कर सकते हैं। अतः आईडी पर वापस आते हैं। उस कोड को कॉपी करें जो हमने डूगेट मेथड में लिखा था और उसे डू पोस्ट मेथड में पेस्ट करें। अब प्रिंटलन स्टेटमेंट को हेलो फ्रॉम पोस्ट मेथड से बदलें। अब index.jsp खोलें। हमें फॉर्म टैग के मेथड एट्रीब्यूट को पोस्ट में बदलना जरूरी है। आप अभी इस कोड को देख सकते हैं। हमारे पास फॉर्म एक्शन इक्वल टू ग्रीटिंग सर्वलेट पाथ मेथड इक्वल टू पोस्ट है। अब हम फिर से इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। अतः माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें और रन पर क्लिक करें। हमें उसी प्रकार का आउटपुट मिला जैसा हमें गेट मेथड प्रयोग करते समय मिला था। अतः फिर से यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें, फिर साइन इन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि हमें हेलो फ्रॉम पोस्ट मेथड आर्या मिला है। अब यूआरएल को देखें। यह localhost:8080/myfirstproject/greetingservletpath है। यहां हम रिक्वेस्ट के यूआरएल में फॉर्म डेटा को नहीं देखते हैं। यही डू गेट और डू पोस्ट मेथड्स में बड़ा अंतर है। अब हम सीखते हैं कि कब गेट मेथड और कब पोस्ट मेथड प्रयोग करें। गेट प्रयोग होगा जब फॉर्म छोटा है और इसलिए डेटा कम है। यूजर चाहता है कि डेटा की विषय वस्तु यूआरएल में दिखाई दे। पोस्ट मेथड प्रयोग होता है जब फॉर्म बड़ा है और इसीलिए डेटा ज्यादा है। यूजर नहीं चाहता कि डेटा की विषय वस्तु यूआरएल में दिखाई दे। उदाहरण पासवर्ड। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा जेएसपी प्रयोग करके सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाना, डू गेट मेथड प्रयोग करके पैरामीटर्स पास करना, डू पोस्ट मेथड प्रयोग करके पैरामीटर्स पास करना, डू गेट और डू पोस्ट मेथड्स के बीच अंतर। कृपया सुनिश्चित कर लें कि आगे बढ़ने से पहले आपने यह ट्यूटोरियल खत्म कर लिया हो। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट
टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर एमएनसी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है। मैं यशोराब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।